बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल जाकर सुबह में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जाकर इस जो भी मालूम आती है वो मालूम जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ जाकर से एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। गवर्नमेंट की जानिब से न्यू जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्रीकल्चर जॉब की नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें तालीम और उम्र कितनी है और इसमें आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और अप्लाई करने की मालूमात भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी सरकारी तौर पर एग्रीकल्चर जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट जॉब की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल पर आना है और टाइप करना है governmentjob.pk, ये लिखकर सर्च कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ सर का आपके सामने ऊपर हो जाएगा, आपने इसे रीड आउट करना है और नीचे आ जाना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इन सिम एग्रीकल्चर जॉब पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ सर का आपके सामने ऊपर हो जाएगा। डेट अनाउंस्ड 1 अगस्त, एजुकेशन मास्टर MBA ACCA CA। सैलरी पैकेज 40,000 से ज्यादा पा दिया गया है। लास्ट डेट 16 अगस्त। वैकेंसीज नेम FFS वैल्यू चेन स्पेशलिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्पेशलिस्ट, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, सोशल जेंडर स्पेशलिस्ट। आपने तमाम वैकेंसीज को रीड आउट करना है और नीचे आ जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने एग्रीकल्चर जॉब की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप एग्रीकल्चर जॉब की वेबसाइट पर जाएंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपने अपना नाम, अपना वालिद का नाम, तालीम और का मालूमात पढ़कर अप्लाई कर देना है। आपने इसे रीड आउट करना है और नीचे आ जाना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इन एग्रीकल्चर जॉब की वैकेंसीज नेम प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्पेशलिस्ट, सोशल जेंडर स्पेशलिस्ट, FFS वैल्यू स्पेशलिस्ट। इसमें तालीमी काबिलियत, उम्र, तजर्बा और शायद जवाब बता दिए गए हैं। आपने इसे रीड आउट करना है और जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। Thanks for watching.